कितनी मूर्तियां लगेंगी आप जाके देखना। किसी मूर्ति के लिए मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा, इसमें पापड़ा में सुरेश भट्ट रखेंगे। वहां के किसानों की तकदीर बदल दी थी। गंगा नहर को आजादी से पहले लाकर रेगिस्तान को हरा भरा करके और गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जैसे रेगिस्तान का वहां चावल की पैदा होने लगी थी। अच्छा काम किया तो लोग आज महाराजा गंगा सिंह को याद करते थे। मैं बताना चाह रहा हूं न्याय की बात। ये तो वोट का राज है साहब, जनता किसको कुर्सी पर बैठा दे किसको उतार दे तो आप लोगों के हाथ में। लेकिन जो राज तलवार की धार से बनता था, घोड़ों की टाप से बनता था, उस कुर्सी पर भी बैठ के लोग न्याय शायद बुजुर्गों को ध्यान होगा कि जी आपको तो पता होगा आप घूमते हो ज्यादा। महाराजा गंगा सिंह ने अपने बेटे को फांसी की सजा सूढ़ी में लटका दिया था न्याय के लिए, अपने बेटे को खुद राजकुमार को। और दूसरे दिन उसी राजकुमार के नाम से राजकुमार का नाम विजय सिंह था, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसको फांसी में लटकाया। दूसरे दिन उसी के नाम से हॉस्पिटल की नींव रखी। और जब हॉस्पिटल की नींव रखी तो राजा के आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मंत्री ने पूछा कि राजन, कल जब आपने अपने बेटे को राजकुमार को विजय सिंह को फांसी पर लटकाया तो आपकी आंखें लाल थी और आज आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कल जिसने फांसी पर लटकाया वो राजा था और आज हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है वो बाप है। तो मैं ये बता, आज हरियाणा पंजाब राजस्थान के कैंसर के सारे पेशेंट पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर उसी हॉस्पिटल में जाते। अच्छे काम जिसने भी किए उनको लोग याद करते। राज किसी का आगे होगा, आज भी किसी भी पेशेंट को डॉक्टर साहब रेफर करते हैं तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जाता है। और इसीलिए अच्छे कर्म हम तो वोट के लोग हैं जिनको जनता ने वोट देकर कुर्सी पे बैठाया। जब खुद का परिवार का मामला आता है तो उनके न्याय करने के उनके तजुर्बे उनके नजारे बदल जाते हैं और दूसरा आता तो न्याय करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अच्छे काम कोई भी करे जनता उसको सिर आंखों पर ले लेती है। और कोई भी आदमी यदि अन्याय करेगा तो जनता की हाय निकलेगी, मत सताओ गरीब को वो रोकेगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोजेगा। कबीरा हाय गरीब की कदे नहीं मिल जाए, मरे मेरे काम से लोभ है। यदि किसी को कोई ताकत मिली है तो किसी की मदद कर। और मैं बताना चाह रहा हूँ ये एक बच्ची जो शादी होगी हमारे घर आती है वो हमारे पड़ोसियों को नहीं जानती, हमारे आसपास के लोगों को नहीं जानते कि किससे उसकी किन से उस परिवार का आनजान है किसका आनजान नहीं है किससे दोस्ती है किससे दोस्ती नहीं है। तो उस बच्चे को ये पता चलता है कि हमारा रास्ता बंद है तो उसके वो सोचे कैसे लोग हैं। कोई रिश्तेदार आता है यदि कोई दूसरे बाहर का लोग आता तो वो ये नहीं देखता रास्ता किसने रोका किसने नहीं रोका, वो सोचता है कैसे लोग हैं। तो उसकी बदबुआ उसकी बुराई पूरे गांव को मिलती है, एक आदमी को नहीं मिलती। तो मैं तो कहता हूं कि इसके लिए जमाना पलट गया। तो मैं आपको बता रहा था पानी की समस्या, इसके लिए चुनाव जब आए थे तो हकीकत बात है कि मेरी धर्मपत्नी भी महिलाओं से मिली थी और उसने महिलाओं से मिली चुनाव रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद जब हम घर बैठे थे तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मुझे पता नहीं जहां आदमी कहते हैं 90% महिलाएं वहीं वोट डालती हैं, आपके साथ जो लोग थे उन घरों की महिलाओं ने आपको वोट दे दिया, जो लोग आपके साथ नहीं थे उनकी घरों ने उनके घर की महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया। जहां आदमी डलवाते हैं वहां वोट डल जाते हैं 80-90%, लेकिन परेशान महिलाएं हो रही है इसमें कोई कमी नहीं।
तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि मैंने महिलाओं से वादा किया कि पीने के पानी की व्यवस्था हर हालत में कर दे, तो आप कुछ भी करो, कम से कम आप नेता हो, आप बहुत सी बातें कहते तो बहुत से काम हो जाते, कुछ काम नहीं भी होते। मैंने तो महिलाओं को एक ही काम के लिए कहा था, पानी के लिए, वो काम हो जाना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से पूरी ताकत, जो ताकत आपने मुझे दी, जो ताकत मेरे अंदर पहले से थी, वो मिला के पूरी ताकत एनडी से चोटी के लगा के और राजस्थान की जनता के पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था करने का पुण्य काम संतों के आशीर्वाद से करने में मैं सफल हुआ। और मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम जो डॉक्टर बता रहे थे, नेतागिरी करने के लिए बहुत सी बातें हैं, यदि कोई सही हो मैं आपको बताना चाहता। पापड़ा के अंदर वो रामदेव जी बैठा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, सीसराम जी से हमें मिला था, सीसरा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मेरे गांव के अंदर, मेरे बेटे सुरेश बड़सरा जो शहीद थे उनकी मूर्ति का अनावरण करे मुख्यमंत्री। तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे बेटे की, जवान बेटे की मृत्यु को भूल जाऊंगा, आप मुख्यमंत्री को पापड़ा के अंदर ला दो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात है, मैंने वह 1% भी एक पिता की अपने पुत्र के प्रति जो भावना थी मैंने उसको सलूट किया और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के और उनका पापड़ा के अंदर कितने भी शहीद होंगे, कितनी मूर्तियां लगेंगे आप जाके देखना, किसी मूर्ति के नीचे मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा, इसमें पापड़ा में सुरेश भट्टराय के मुख्यमंत्री का नाम है मूर्ति के अनावरण में। अब उनको उसके बाद में आप मुख्यमंत्री जो आया उसका फायदा आप यहां नहीं ले पाए, उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा वो बाकी बाद में, मेरा वो बाकी बाद में तो बिचोला साइड में करती, ये तो बरात आता ही साइड मार दियो, बरात आता ही बिचोला का दिखा दे दिया। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को यहाँ जितने हम पापड़ा को जो मिलना चाहिए तो हम उसे वंचित रह गए, इसे मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो मैं उसके बाद पिछले टाइम के अंदर मेरे पास पापड़ा के जाट समाज के लोग आए, धैर के लोग आए कि साहब एक करे सर के ऊपर नौजवानों के साथ कोई अन्याय हो रहा था, मैंने उन जो कहा 100% किया। फिर मेरे पास पानी के लिए आए तो मैं 45 लाख रूपये उस टाइम के अंदर काटली नदी के अंदर बोरिंग करा के टंकी बना के पाइपलाइन डलवाने का काम किया, उनमें से 22 लाख रूपये जगदीशपुरम लेके बीच में से फिर 25 लाख रूपये फिर लेके आया। अब बताने पानी खराब आदमी क्यों हो गया मुझे, इसका पता नहीं।